यूपी के इटावा में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन भरसक प्रयास में जुटा हुआ है। इसके चलते यहां एक डिसइंफेक्शन टनल लगाया गया है। ये वहां के जिला अस्पताल में लगाया गया है और इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। इससे इसमें बैक्टीरिया वायरस पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। प्रशासन का कहना है कि ऐसे टनल जिले में और लगवाए जाएंगे। इससे काफी सहयोग मिलेगा। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इटावा में लगाया गया है। इससे आने वाले दिनों के लिए भी उपयोगी है। किसी भी तरह का बैक्टीरिया वायरस या इन्फेक्शन इससे ट्रीट होगा, पब्लिक को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। आपने असेंबली इसको किया है तो जी, कैसे आपके दिमाग में आया, किस तरह टनल इटावा में होना चाहिए? ये हमारे CDO साहब ने इसको प्रेरणा दिया है। उन्होंने कहीं देखा था तो उन लोगों CDO साहब ने बोला कि ये हमारे इटावा में भी आप लोग लगाइए, तो इसलिए हमारे इंजीनियर साहब नीरज रस्तोगी बात हुई और फिर हमसे बोला कि आप मदद करिए, तो हम लोग मिलकर इसको तैयार कर लिए। ये जो छिड़काव हो रहा है इसमें कौन सी दवा मिलाएंगे? सोडियम हाइपोक्लोराइड 1% डाइल्यूशन है। मैनुअल है नहीं? ऑटोमेटिक है ये। और भी इटावा में कहीं लगने का इस तरह का? अभी इटावा में पूरे डिस्ट्रिक्ट में कई स्थानों पर चिन्हित किया जा रहा है। अभी सैफई में 2 लगेगा, भरतना में लगना है, इसी तरह से जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर पूरा लगाएगा। देखिए, जिला प्रशासन का माध्यम से कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए हर तरीके से प्रयास चल रहा है। उसके 2 चीज़ नया इधर हम लोगों ने लागू किया। एक चीज़ हम लोगों ने सैंपल कलेक्शन कियास्क बनवाया, तो उसके माध्यम से PPE किट का ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। और दूसरा, हम लोगों ने कोरोना डिसइंफेक्शन टनल बनवाया इधर। ये कोरोना डिसइंफेक्शन टनल इसके लिए है, उसके माध्यम से 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन ऊपर से मतलब फैलेगा और जो भी आदमी अंदर घुसेगा उसके माध्यम से डिसइंफेक्शन होगा। ये प्रदेश में मतलब पहला प्रयास है, इटावा जनपद का जिला अस्पताल में हम लोग ने लगवाया। इस तरीके के टनल सैफई यूनिवर्सिटी में मतलब 2 लगाने के लिए निर्देश दिया गया है और नगर पालिका इटावा और नगर पंचायत भरतना में लगाने के लिए निर्देश दिया गया है और ज्यादा जगह पर ये चीज़ लग जाएगी। इटावा से न्यूज़ के लिए उवैश चौधरी की रिपोर्ट।